ज़्यादा ये पले हैं, इतना ज़्यादा ये पले हैं, इसी वजह से टिक टिक आवाज़ करती है। ये SP125 BS6 मॉडल है। इंजन में साउंड है जो कि मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। ये देखिए, स्विच को ऑन करेंगे, ये देखिए, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि इसका टाइमिंग चेन लूज है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ ये ढक्कन खोल के। ये ढक्कन हम खोलेंगे और ये चेक करेंगे इसका कहीं टैपिट लूज तो नहीं है। अगर टैपिट लूज हो गया, टैपिट लूज है, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे फिलर गाइड के टूल से। इसको एडजस्टिंग करके देखते हैं एक बार कि हो सकता है कि टैपिट लूज हो गया हो, इन्हीं की आवाज़ हो, है ना। आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट खोल सकते हैं दसमर पाना के जरिए से, चाबी के जरिए से, और फिर इस जगह से खोल के इसको एडजस्टिंग कर सकते हैं। अगर ऐसे जुगाड़ नहीं मिलता है फिर आपको टंकी खोलना पड़ेगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं यहीं से डायरेक्ट इसे खोलो। तो गाइस जहाँ तक देख सकते हैं कि ये इसका टाइमिंग चेन होता है, ये टाइमिंग चेन हो गया और ये टैपिट रोकर हो गया। देखिए ये जो रोकर, अभी हमें सही टाइमिंग पे मिलाना होगा हमें, और टाइमिंग पे मिलाने के लिए हमें जैसे किक का इस्तेमाल करना है। तो पिस्टन टॉप पे आ गया है और ये टैपिट है गाइस। देखिए बहुत ज़्यादा ये पले है, इतना ज़्यादा ये पले है, इसी वजह से टिक टिक आवाज़ करती है। और इधर का भी देख लीजिए, इधर तो ठीक ठाक है, थोड़ा चलेगा ये। ये इनलेट वाला हो गया, इधर थ्रोटल बॉडी के साइड का है, इधर भी थोड़ा एडजस्टिंग करना होगा। लेकिन ये एग्जॉस्ट वाला जो साइलेंसर वाले के साइड है, ये बहुत ज़्यादा पले हो गया है। और ये ज़्यादा पले होने का कारण मैं आपको बता दूं, इस साइड से एग्जॉस्ट निकलता है साइलेंसर के द्वारा, साइलेंसर के द्वारा धुआं निकलता है, पोल्यूशन निकलता है, ठीक है। तो जो भी धुआं बनता है गाइस वो बल्ब में भी जमता है। इसका जो बल्ब देख रहे हैं उसमें जमता है, वही जमने की वजह से बल्ब जो है थोड़ा नीचे की ओर आ जाता है, जो कि ये टैपिट लूज हो जाती है, ठीक है। और इसको क्लियर तरीके से सही करने के लिए आपको कभी जब हेड खुलवाते हैं, हेड सेंटर का काम कराते हैं, तभी यह ठीक होता है। अभी सिर्फ एडजस्टिंग कर देंगे ठीक हो जाएगी, बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। हमारे पास ये टूल्स है, 8-9 का पाना और ये टैपिट मिलाने के लिए टूल्स, ये आपको चाहिए। 9 नंबर का यहाँ पर पाना लगाएंगे, पहले इसे हम लूज करते हैं इस नट को। ये हमने नट को लूज किया और फिर इसको हम टाइट करेंगे। तो ये हमारे पास फिलर गाइड टूल्स है, ब्लेड है, इसमें हम 0.8 mm का रखते हैं। या फिर 0.10 mm का रख सकते हैं आप।
देखिए मैंने बाइक फिर से स्टार्ट किया और अब इंजन की साउंड जो है बहुत ही बदल चुकी है, बेहतरीन हो चुकी है पहले से। यानी कि इससे पता चलता है कि इसका टैपेट लूज था ही नहीं, की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रही थी ठीक ठीक जैसे, तो टैपेट सेटिंग कर दिया तो अब बेहतरीन साउंड हो गई है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें।